जीवता भूलि गेल कृष्ण एई दोषे माया तार गलाए बांधिला। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाले छूटे पाए कृष्णेर चरण। बहुत फेमस वर्सेस है, स्पेशली सेकंड वन। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। फेमस वर्स, प्रभुपाद कोट करते थे। ओके, एनीवे, सो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्ण नित्य दास जीव तहां भूली गेलो। सो गौड़िया वैष्णव के अकॉर्डिंग, हमारी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, आत्मा का पूरा एड्रेस क्या है? भगवद्गीता में भगवान ने बोला कि आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जलती नहीं। क्या श्लोक है वो? नाज रायते मृते कदाचिन, गलत कह रहे हो। आत्मा कभी जलती नहीं, कभी गीली नहीं होती। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावक, नयनम शोष्यति क्लेदन्ति आपनम शोष्यति मारुतः। सो ये आत्मा के बारे में भगवान ने कुछ बताया है, बट प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं है। मार नहीं सकते, जला नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते। सो ठीक है, आप ये नहीं कर सकते, मगर है क्या? सो अगर आप शंकराचार्य के फॉलोअर से पूछो, अद्वैतवादी से पूछो कि आत्मा क्या है, उनका आंसर होगा कि चिन्मय है। दैट्स व्हाट दिस इज, चिन्मय वस्तु है। अब आप पूछोगे चिन्मय वस्तु क्या है, वो अचिंत्य, हमें नहीं पता। या अगर टेक्निकली, अगर रियली में जो ऑर्थोडॉक्स मायावादी हैं, जो ओरिजिनल शंकरा वाले हैं, उनसे पूछोगे आत्मा क्या है, तो वो कहेंगे कुछ नहीं है। उनके आपसे आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती। ओरिजिनल शंकरा वाले जो हैं, मॉडर्न शंकरा वाले सारे मिक्स्ड हो गए मायावादी लोग। वो कहते हैं उनके, एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है कि मायावादी के अकॉर्डिंग आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती। ऑल्दो हम कहते हैं आत्मा परमात्मा एक है, बट वो कहना ठीक नहीं है। अब किसी टेक्निकली मायावादी से बात करोगे तो वो कहेगा ये ठीक नहीं है, तुम्हें खुद ही मायावाद नहीं पता। क्योंकि आत्मा परमात्मा एक कहने का मतलब होगा कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, मगर वो एक है, वो गलत हो गया। अगर आप शंकराचार्य से पूछोगे आत्मा क्या है, तो वो कहते हैं आत्मा नहीं है। ये बहुत बिजार चीज़ है। तो फिर क्या है? सब एक निराकार भ्रम है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम आत्मा है, हमें माया से लग रहा है कि हम अलग से एक आत्मा है, मगर एक्चुअली नहीं है। ये ओरिजिनल शंकरा की फिलॉसफी है। सो बट और अगर आप बुद्धिस्ट से पूछो, बौद्ध से, कि आत्मा क्या है, उनका आंसर क्या है? बौद्ध बौद्ध मत से, बौद्ध मत के अनुसार आत्मा, ऑफ कोर्स आत्मा कुछ नहीं होती। अगर आत्मा कुछ नहीं है तो अगले शरीर में क्या जा रहा है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो अगर आप कहते हो चलो आत्मा नहीं है, तो अगले शरीर में क्या गया? जो पैदा मर के, वो तो मानते तो हैं ही रीइंकार्नेशन, तो ठीक है आदमी मर गया, फिर अगले शरीर में क्या गया? कुछ है ही नहीं। उनके यहाँ से तो निराकार भ्रम भी नहीं है, सब शून्य है। जब सब शून्य है तो क्या गया? शंकरा वालों से पूछो अगले शरीर में क्या गया, तो कहेंगे हाँ वो तो जो निराकार भ्रम ने, निराकार भ्रम ही एक शरीर से दूसरे शरीर में चला गया। अब वो भी थोड़ा कहने का अजीब है, बट बौद्ध मत के अनुसार क्या गया? शून्य गया। शून्य क्या गया मतलब, ये तो सेंस ही नहीं बनती। तो वो कैसे एक्सप्लेनेशन देते हैं? मैं पूछ रहा हूँ अगले शरीर में क्या किया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नहीं, अगले शरीर में क्या गया, किसी को पता है आंसर? क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? क्वेश्चन तो समझ आ ही रहा है ना। तो उनके हिसाब से अगले शरीर में विचार चले गए। तो हमने जो विचार बनाए हैं वो ही शरीर से फिर अगले शरीर में चले जाते हैं, उनकी फिलॉसफी। जिसको सटल बॉडी कहते हैं, सटल बॉडी बॉडी कुछ है नहीं, बस विचार चले गए। विचार रहते गए, वो हवा में है। वो कहाँ है किसी को नहीं पता, कहाँ है, हवा में है, चले गए। सो ये थोड़ा उनका टेक्निकल है। हमारी फिलॉसफी बहुत अच्छी है,
क्योंकि एक्सप्लेनेशन क्लियर है, हम कौन है, हम आत्मा है भगवान से अलग, ठीक है। और आत्मा का डिस्क्रिप्शन क्या, एड्रेस क्या है, वेल आत्मा सच्चित आनंद है और कृष्णेर नित्य दास, भगवान की दास है। अब भगवान की दास का मतलब कि भगवान का अंश है। भगवत में कौन सा श्लोक है, मम एव अंश मम एव अंश जीव लोके, वहाँ पे अंश का मतलब फिर अगर टेक्निकली लो तो अंश का मतलब ये नहीं कि एक टूट के पार्ट बन गए, वो बात नहीं है। मम एव आप कह सकते हो हाँ टूट के एक पार्ट बन गया, शंकरा इसी तरह बोलते हैं, शंकरा तो नहीं बोलते खैर, मगर हम लोग कहते हैं पार्ट नहीं बने, अंश का मतलब है कि ऐसे शक्ति शक्तिमान, जैसे सूर्य का अंश सनलाइट है या जैसे पिता का अंश, ये तेज कर दिया क्या कि किसी ने, जैसे जैसे पिता का अंश पुत्र है उसी तरह परमात्मा का अंश आत्मा है। परमात्मा भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है, और आत्मा हमेशा से परमात्मा या भगवान के अंडर या उनके अधीन काम करती है, ये नॉलेज है। अब आप पूछो ऐसा क्यों है, मतलब आत्मा भी अनंत काल से है, परमात्मा भी अनंत काल से, नित्य नित्याना नाम, हम भी हमेशा से हैं, भगवान भी हमेशा से हैं, मगर और हमेशा से हम भगवान के अंडर हैं। अब ये चीज़ एक्सेप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि आप पूछोगे हमेशा से भगवान के अंडर क्यों है, ऐसा क्यों नहीं कि हम भगवान नहीं है, ऐसा भी हो सकता था कि मैं भगवान होता और बाकी सब मेरे अंडर है ऐसा भी हो सकता है, रावण और हिरण्यकशिपु तो ऐसे ही सोचते होंगे। इसका क्या आंसर दोगे आप, हमेशा से ऐसा क्यों है कि भगवान भगवान है और हम हैं और हम उनके अंडर कंट्रोल में। जी मतलब एक कोई पूछेगा ठीक है आपने तो कह दिया हमेशा से ऐसा है, मगर ऐसा क्यों है, मैं क्यों नहीं भगवान हूँ। अब यही तो पूछ रहे हैं क्यों है, अंश का मतलब ये नहीं कि हम टूट के पार्ट बन गए हैं कि मैंने इसको तोड़ के पार्ट बना दिया है, अंश का मतलब है हमेशा से भगवान के अंडर चल रहे हैं हम, अंश का मतलब ये होता है। ऐसा क्यों है, नहीं लॉजिकल आंसर कोई क्वेश्चन उठा सकता है, जैसे मदर और बच्चा होता है कि मतलब क्वेश्चन पता क्या है, क्वेश्चन आप समझ नहीं रहे, क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हो कि आत्मा हमेशा से है भगवान हमेशा से, और हमें अनंत काल से ही हमेशा से ही हम भगवान के अंडर है, ठीक है। अब कोई कहेगा भैया ये तो तुमने खिचड़ी बनाई है, तुमने अपनी फिलॉसफी बनाई है, हम क्यों मान लें तुम्हारी फिलॉसफी, ये बड़ी ही से लगता है हमेशा से भगवान के अंडर चल रहे हैं और भगवान भगवान है, ऐसा नहीं है, हम सब भगवान हैं, जैन तो यही कहते, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी भगवान बन सकते हो, गौड़िया वैष्णव पागल हैं गलत बोल रहे हैं, हम कोई अंडर वंडर नहीं, हमेशा से आप तपस्या करके आप भी परमात्मा की तरह महान बन जाओगे, कोई आर्ग्यू तो करने आ ही सकता है, तो क्या कहोगे उसको फिर, वो लोग कहते हैं तीर्थंकर तीर्थंकर बन जाओगे जब सारे कर्म और पाप का निर्जर हो जाएगा, तो आप भी भगवान बन जाओगे, भगवान ऋषभदेव भगवान महावीर, तभी तो भगवान लगाते हैं वो लोग। सो एक्चुअली मध्वाचार्य से पूछा था किसी ने कि यार आपके फिलॉसफी में ऐसा है हम हमेशा से भगवान के अंडर हैं, ये क्या चल रहा है, तो मध्वाचार्य ने कहा कि देखो इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ तर्क से तो आ नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात है कि इसका अगर प्रूफ चाहिए तो हम वेद पढ़ने पड़ेंगे, और वेदों में तो चलो क्लियर है कि आत्मा और परमात्मा अलग हैं और आत्मा हमेशा अंडर है, बट मध्वाचार्य ने एक और लॉजिक दिया, मध्वाचार्य ने कहा कि देखो कभी कभी ना प्रूफ लेने के लिए आपको लॉजिक नहीं लगाना पड़ता, आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आग आग क्यों है, कोई पूछ सकता है आग क्यों, आग क्यों है, आग पानी आग क्यों नहीं है, तो क्या उत्तर दोगे आप उसको, तो बच्चा पूछेगा मम्मी आग आग क्यों, पानी आग क्यों नहीं है, तो क्या बोलोगे उसको, देख ले देख ले भाई,
पानी पानी आग है तो दिखाई दे रहा है। तो जो चीज़ दिखाई दे रही होती है उसको, जो चीज़ दिखाई दे रही है और जो चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको लॉजिक से काटना बेवकूफ़ी है, समझ गए। मगर आप कहोगे वैल मृग तृष्णा भी दिखाई देती है, मृग तृष्णा समझते हो ना, पता है मिराज, मिराज रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है दूर, मगर एक्चुअली नहीं होता। तो फिर तो आप कहोगे वैल हर चीज़ जो दिखाई देती है वो होती नहीं है, इसलिए कभी कभी दिमाग भी लगाना पड़ता है। मगर उसमें एक लॉजिक है कि जो चीज़ दिखाई देती है और जो दिखाने में से देखना नहीं होता, वो तो चीज़ देख सकते हो, छू सकते हो, पकड़ सकते हो और सारी इंद्रियों से जो चीज़ अनुभव कर सकते हो उसको तो आपको मानना पड़ेगा। अब आँख को हाथ डालोगे जलेगा, देख भी सकते हो, सूंघ तो सकते नहीं हो आँख को कैसे, बट यू कैन फील इट और एक फिजिकल इफेक्ट भी आएगा, हीट भी आएगी, तो इसका मतलब वो है, सिंपल है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। नहीं तो हमें दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि हम भगवान नहीं है, तो क्लियर है हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं चल रहा, ये तो दिखाई दे रहा है ना, ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं चल रहा। और ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई कंट्रोलर तो है। तो सिंपल कंक्लूजन है कि एक परमात्मा है, एक आत्मा है और हम किसी के अंडर चल रहे हैं, और किसके अंडर चल रहे हैं, सुप्रीम कंट्रोल के अंडर चल रहे हैं। तो मध्वाचार्य ने कहा भाई इसमें सांस पढ़ने की क्या जरूरत है, थोड़ा दिमाग लाके देख लो ना, दैट्स अ वेरी गुड लॉजिक अगर आपने, अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो। मगर इसके बियॉन्ड जाना मुश्किल है। हम भगवान के अंश हैं तो चलो मान लिया, हम भगवान के कंट्रोल में हैं तो मान लिया, मगर ये जो इन्फॉर्मेशन है कृष्ण नित्य दास, हम उनके दास हैं और उनकी सर्विस के लिए बने, इसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें। हम उनके अंडर हैं चलो एक बात है, कंट्रोल में एक बात है, मगर हम उनकी सर्विस के लिए बने हैं वो एक दूसरी बात है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें पूरा एड्रेस, प्रभुपा कहते हैं दिस इज अ फुल एड्रेस। आत्मा क्या है, आत्मा क्या है वो बनी किससे, सच्चित आनंद है, और उसका फंक्शन क्या है, हम भगवान को सर्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछूं आप क्या हो तो आप क्या बोलोगे, अपना नाम बताओगे, नेम सेक्स यही है ना, ये फॉर्म में होता है मेल फीमेल, और मेरा नाम ही है ऑक्यूपेशन। तो आत्मा क्या है, आत्मा के पास यही है सेम। ऑक्यूपेशन क्या है, नित्यदास। और सेक्स क्या है, मेल फीमेल, नो सचित आनंद, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन है ना सचित आनंद। और नाम क्या है, नेम क्या है, आत्मा, आत्मा क्या क्या कहेंगे ऑफकोर्स आत्मा को कहेंगे तटस्थ शक्ति, हमारे अनुसार है ना, मार्जिनल एनर्जी, ये पूरा एड्रेस हो गया। तटस्थ शक्ति है, सचित आनंद है और कृष्ण के नित्य दास है, दैट्स ऑल फिनिश, क्लियर है। तभी कृष्णा के स्वामी कह रहे हैं कृष्ण और नित्य दास जीव तहा भूली घेल गेलो, गेलो मतलब भूली, गेलो मतलब भूल जाते हैं। जब हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं, ए दोषे माया तारे गलाए बांधिला, तब माया हमें पकड़ लेती है। अब इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डिवोटीज, अगर आप रैली में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता लग जाएगा, जैसे ही आप भगवान को भूलोगे माया आपको पकड़ लेगी। माया पकड़ लेगी मतलब क्या होता है इसका, भोग में पड़ जाएंगे। हाँ ठीक है, भोग में पड़ जाएंगे, मगर यहाँ पे कह रहे हैं माया तारे गलाए बांधे, गले से पकड़ लेगी, इसका मतलब क्या है। प्रभुपाद कहते हैं जैसे कभी कभी क्या कहते हैं उसको, बिल्ली चूहे को पकड़ती है गले से पकड़ लेते, अब चूहा चिल्लाता था चीं 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 पकड़ के ले जाती है, ऐसी माया गले से पकड़ लेगी, इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकल मतलब क्या है। मतलब एक बात सही है बट एक और कुछ प्रैक्टिकल मतलब चाहता हूँ, गले से पकड़ने का मतलब क्या, कैसे कह सकते थे ऐसे ही पकड़ लेगी, यही कहते थे ना माया पकड़ लेगी, यहाँ पे कह रहे हैं गले से पकड़ लेगी, छूटना
आपने थोड़ा हल्का बोल दिया, हाँ हाँ, गले से पकड़ने का मतलब क्या है? जब कोई जानवर गले से पकड़ता है ना, इसका मतलब है कि मारने के लिए सीधा यहीं अटैक होती है। जानवर को पता है यहाँ पे अटैक करना है, नहीं? ये भी एक मिस्ट्री है, मिस्ट्री है बहुत बड़ी। जानवर को कैसे पता है यहाँ अटैक करना है? यहाँ कर लेगा तो बस मर गए, आप कुछ नहीं कर सकते ना। माया तारे गलाए बांधिला, मतलब पकड़ने का मतलब है कि जैसे ही आप कृष्ण को भूलोगे, माया आपके अंदर वेग डालेगी, इंद्रिय भोग में नहीं लगाएगी, आप में वेग आ जाएंगे, अनकंट्रोल्ड वेग आएंगे। वेग वेग समझते हैं ना आप लोग? हाँ, कैसे कहेंगे वेग हिंदी में? कैसे कहेंगे? हाँ, अनकंट्रोल्ड तीव्र इच्छाएं आएंगी जो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है गलत है, आपको पता है नहीं करना चाहिए, फिर भी आप किए बिना रुक ही नहीं पाओगे आप, ये माया कर देगी। इसलिए कह रहे हैं गले से पकड़ लेगी, यू कांट, यू आर हेल्पलेस। हेल्पलेस हो जाता है ना एनिमल जब पकड़ लेता है गले से, क्या करेगा वो, तो मरना ही है। तो इसलिए कृष्ण को भूलने से वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वो वेग आएंगे, अनकंट्रोल डिजायर्स आएंगी जिसको आप कुछ नहीं कर सकते। इच्छाएं जो हैं वो तो आप कहो कि इच्छाएं आएंगी माया जब पकड़ लेगी, वो गलत कहना है, क्योंकि इच्छाएं तो शुद्ध भक्तों में भी आती हैं। कौन सा श्लोक है, क्या गीता का श्लोक है? अब वो तो शुद्ध भक्त कहाँ हुए? मैं बता चुका हूँ कितने सारे लेक्चर कर दिए मैंने। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम समुद्रम आप प्रविशन्ति अत्वत्। कृष्ण एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसे समुद्र है, समुद्र में कई नदियाँ आके मिलती हैं, मगर समुद्र वो ही का वही। उसी प्रकार भक्तों, शुद्ध भक्तों के मन में भी कई इच्छाएं आती हैं, मगर उनका मन विचलित नहीं होता। एक ऑर्डनरी के आदमी में जब इच्छाएं आती हैं तो वो विचलित हो जाता है, क्योंकि ऑर्डनरी आदमी का मन समुद्र के तेरे नहीं, ऑर्डनरी आदमी का मन एक छोटे लेक की तरह है। उस लेक में जब नदी आएगी पूरे प्रभा गया तो वो तो पानी सब इधर उधर ही हो जाएगा। तो वही बात है, इसलिए माया तारे गलाए बांधिल, मतलब माया वेग ले आएगी। इच्छाएं बहुत छोटी चीज़ है, सभी रूपा गोस्वामी ने वाचो इच्छा थोड़ा ना लिखा है, वाचो वेगम। और कृष्णा गीता में ये भी कह रहे हैं कि सब इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट आदमी भी एक इंद्रिय भी अगर क्या है वो, इंद्रिया नाम ही चरताम यन मनो अनुभिधीयते, क्या वायु नाम इंद्रसी, हाँ, तस्य प्रज्ञा मर्तम वायु नाम भावसी। कृष्णा कह रहे हैं अगर कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी है मगर अगर वो भगवान को भूल गया तो एक इंद्रिय भी काफ़ी है उसको गिराने के लिए। किसी एक इंद्रिय में भी आपके वेग आ जाए, आप गए काम से, वो कैसे आप कंट्रोल करोगे, वो पूरा करना ही पड़ेगा आपको। एक डिवोटी है, मैं उनके घर रहा था तो वो डिवोटीज हैं वो, तो मैंने उसे पूछा भाई तुम्हारी वाइफ कहाँ है? वो कह रही थी जूस पीने गई है मार्केट। मैंने कहा जूस पीने? तो उसने कहा कि वेल उसको जूस पीने की इच्छा थी तो रोक नहीं पाती। मैंने शी हैज़ टू डू इट, इसको कहते हैं वेग, इसको वेग कहते हैं। या फॉर एग्जांपल आप किसी लोग ब्रह्मचारी से कहो अभी ब्रह्मचारी रह लो, भाई मुझसे रह नहीं जा रहा, मेरे अंदर वेग आ रहा है कि मुझे मैरिज करनी है, मैं रह नहीं पा रहा, मतलब यू नो पीपल आर लाइक दैट पीपल। एक मैं एक किसी घर गया था तो वो अनमैरिड था लड़का, तो कहते प्रभु जी मैं मैरिज कर लूँ। मैंने कहा अब मैं क्या बताऊँ मैरिज करनी, मैंने कहा अवॉइड कर ले। तो कहते नहीं मुझे रात को नींद नहीं आ रही, नींद खुल जाती है, डर लग रहा है, अजीब अजीब थाट्स आ रहे हैं। मैंने कहा भैया फिर तो तू कर ही ले, फिर तो हो गया तेरा काम। सो दैट्स हाउ इट गोज़, माया तार गलाए बांधिला।
माया ऐसा पकड़ेगी कि आप छोड़वा नहीं पाओगे। शिला प्रभुपाद एक और एग्जांपल दे रहे थे, कैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो चिल्लाता है वो, ऐसे जब माया पकड़ती है तो हम भी चिल्लाते हैं भोग 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 भोग, यू कांट हेल्प इट आउट, कृष्णा शब्द फिर मुंह से नहीं निकलेगा, आप किसी और डायरेक्शन में चले जाओगे। सो क्या करें कि भूले ना भगवान को, क्वेश्चन ये है कि क्या करें हम भूले ना, भूलेंगे तो माया पकड़ लेगी। तो माया कहाँ खड़ी है किसी को पता है कहाँ है? नहीं, हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे अंदर में। हाँ, शिला प्रभुपाद कह रहे माया हमारे भी पीछे खड़ी है, पीछे मुड़ के हम देखते नहीं कभी नहीं। या कुछ, या बुद्धिस्ट कहते हैं कि माया आपके ऊपर खड़ी है, तो लोगों को ऊपर देखने का शौक नहीं होता, लोग नीचे देखते हैं ना, अहंकारी लोग ऊपर नहीं देखते, मेरे ऊपर कौन कोई होगा, मेरे ऊपर कोई नहीं है, सब नीचे है, माया ऊपर ही खड़ी मैं खड़ी हूँ लोग। सो क्या करें कि हम भगवान को भूले ना, क्या तरीका क्या है भगवान को ना भूले। एक डिवोटी था, उसने प्रभुपाद को लेटर लिखा था कि प्रभुपाद जी मैं जब सेवा करता हूँ तो भगवान को भूल जाता हूँ, होता है नहीं जब हम बिजी होते हैं, इसलिए मेरा प्लान ये है कि मैं जाके चैंटिंग करूँगा पूरे दिन और पढ़ूँगा तो उससे भगवान याद रहेंगे। और आप ही कहते हैं कि भगवान को हमेशा याद रखना है, मैं मैनेजमेंट में रहता हूँ, मैं कटेमल कंस्ट्रक्शन में इधर उधर, तो मैं भूल जाता हूँ, मैं क्या करूँ। तो उन्हें प्रभुपाद का लेटर लिखा, प्रभुपाद क्या करें। तो प्रभुपाद ने लेटर शुरू किया, प्रभुपाद ने कहा द होल पॉइंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू रिमेंबर कृष्णा ऑलवेज। तो उन्होंने कहा अरे यार ये तो वही आ गया जो मैं सोच रहा था, तो प्रभुपाद लिखेंगे ठीक है अभी छोड़ छाड़ के अपना चैंटिंग को करो। तो प्रभुपाद ने कहा बट द टेक्निक टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा इज दैट व्हेन यू आर डूइंग मैनेजमेंट और प्रीचिंग देन यू शुड ऑलवेज थिंक दैट दिस इज नॉट बाय माय स्ट्रेंथ, इट इज़ ड्यू टू कृष्णास मर्सी। तो प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद ने तो कुछ अपनी मेमोरी से बता रहे थे, मैं सुन रहा था मेमोरी में, कहते कि प्रभुपाद ने ये मना भी नहीं किया कि तुम, प्रभुपाद ने कहा कि तो मैं करना तो पड़ेगा ही वो चीज़ें, मगर जब कर रहे हो तो तुम ये सोच के करो कि मैं भगवान की स्ट्रेंथ, भगवान की कृपा से जो एनर्जी और शक्ति बुद्धि मिल रही है उससे कर रहा हूँ, एंड ऑलवेज डिपेंड ऑन हिज मर्सी, तब उनको रिमेंबर कर सकते हो ऑलवेज। सो यही ट्रिक है 25 श्लोक, कैसे रिमेंबर करना है, छोड़ छाड़ के कुछ नहीं होगा, आप अगर पूरे दिन बैठ के चैंटिंग भी करो तब भी कुछ नहीं होगा, आप 10-20 माला के बाद सो जाओगे या पागल हो जाओगे, पूरे दिन रीडिंग भी करना चाहो तब भी कुछ नहीं होने वाला, केवल उससे नहीं होगा। करना क्या है, ताते कृष्ण भजे करेर गुरु र सेवन, ये ट्रिक है, गुरु की सर्विस करने से भगवान याद रहते हैं, दैट्स अ होल आइडिया। तो अगर हम अपने आप से कुछ करते रहेंगे तो भगवान को भूल जाएंगे हम, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस नहीं रहेगी, नहीं उसमें एक प्रेशर नहीं रहता माइंड पे, प्रेशर नहीं रहता तो याद नहीं रहते चीज़ें, फिर तो आप कभी भी कर लिया कभी भी नहीं किया, नहीं वी टेंड टू फॉरगेट। इसलिए श्रीला प्रभुपाद जो हम चैंटिंग कर रहे हैं तभी दीक्षा का रोल होता है, ये दीक्षा के बाद प्रेशर है ना माइंड पे कि 16 माला तो रोज़ करनी है भैया, दीक्षा लिए 4 नियम तो फॉलो करने हैं। तो एक्चुअली 16 माला और 4 नियम हमारी गुरु सेवा है, तभी हम एडवांस कर रहे हैं, नहीं इंडिपेंड। ऐसे तो कोई अगर बिना दीक्षा के कोई कर ले माला और कुछ तो कर ही नहीं पाएगा, पहली बात तो पूरी लाइफ भगवान का स्मरण होगा नहीं उसको। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रचरण। तभी श्री प्रभुपाद ने बोला है कि यस्य आस्ति भक्त क्या, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, गुरु खुश हैं तो भगवान खुश है, यस्य देवे पराभक्ते तथा यथा देवे तथा गुरु। मतलब बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद भी अपने गुरु के ऑर्डर्स पे अमेरिका गए। एक्चुअली जब ऑर्डर्स
जब हम फॉलो करते हैं ना, तो माइंड में एक स्ट्रेस रहता, एंग्जाइटी रहती है नहीं, कि हम किसी के लिए कर रहे हैं कुछ, और उससे फोकस बना रहता है, तब जाके व्यक्ति एडवांस करता है। और बेसिकली जो मैरिज है, मैरिज का पर्पस भी यही होता है। जो 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 लोग अपने लाइफ में केयरलेस होते हैं, यूथ्स नहीं, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए पेरेंट्स कहते हैं भी इसकी शादी कर दो, ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो गुरु की सर्विस में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर एडवांस करना है भक्ति में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से एडवांस किया जाता है, अदरवाइज आप एडवांस नहीं कर सकते, भगवान को भूल जाओगे। उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो या उसको स्पिरिचुअल एंग्जाइटी कह लो, एक ही बात है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी की इस कॉन्टेक्स्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस आएगी। तो जब हम गुरु के ऑर्डर्स पे कुछ करते हैं या दीक्षा लेके करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास, नहीं कि हम परंपरा से कनेक्टेड हैं भाई, हमें माला करनी है, हमें विचार नियम करने हैं, अदरवाइज परंपरा की बेइज्जती होगी, या गुरु ने कुछ ऑर्डर दिया अभी तुम्हें यह करना है, तो यू नो यू डू इट विथ फोकस। ऐसे जब महाराज आते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं कि महाराज आ रहे हैं करो, इधर उधर भाग रहे हैं, फोकस होता है तो माइंड लगा रहता है, ऐसे बैठे रहो खाली, माइंड भागता रहेगा इधर उधर। अब चैंटिंग कर रहे होगे तो भी भागेगा माइंड। सो दैट्स द आइडिया। इसलिए हम जो भी कर रहे हैं भक्ति में, वो गुरु की सर्विस के रूप में ही कर रहे हैं, गुरु और वैष्णव सेवा के, कैसे कहते हैं उसको, गुरु और वैष्णव सेवा के निमित्त ही कर रहे हैं। हम जो भी चैंटिंग कर रहे हैं, हम किसको ऑफर करते हैं, किसके प्लेजर के लिए कर रहे हैं? श्री प्रभुपाद, डायरेक्ट कृष्ण के प्लेजर के लिए तो चल नहीं रहा, या रूपा रघुनाथ पदे, रूपा रघुनाथ गोस्वामी के प्लेजर के लिए, डायरेक्ट कृष्ण के प्लेजर के लिए करोगे तो फिर तो कुछ होने वाला ही नहीं है। ये सीक्रेट है, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, चैतन्य महाप्रभु का ऑर्डर है, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। इसलिए ऑर्डर पे जब करोगे तो सक्सेस मिलेगी, बिना ऑर्डर के करेंगे तो परफेक्शन और सक्सेस नहीं मिल सकती। बस अगर हम बिना ऑर्डर के 24 घंटे भी कृष्णा कॉन्शियस कर लें, कुछ नहीं होगा, नॉट हैपन। ऑर्डर के ऊपर करेंगे तो मिलेगी सक्सेस। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि ऑर्डर पे जब अगर हम किसी को मारेंगे तो मेडल मिलेगा, बिना ऑर्डर के मारोगे तो पास नहीं मिलेगी। बस यही सिंपल सी बात है, दैट्स अ होल आइडिया देयर। इसलिए एक्चुअली ना, जब भी अगर मान लीजिए कोई वैष्णव कुछ कह रहा है आपसे, तो उसको करने में आपकी बहुत भलाई है, उससे जो एडवांसमेंट होगी, उस एक ऑर्डर से जो एडवांसमेंट होगी, वो 10 सेवा करने से नहीं होगी एडवांसमेंट, अगर आपने मन से कुछ भी करते रहे तो। इसलिए कभी भी कोई वैष्णव कुछ कहे तो हमें इमीडिएटली उसको कर लेना चाहिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। गॉट माय पॉइंट? क्यों आप कहोगे गलत है तो फिर क्यों करूँ मैं? फिर मैं अभी एक पॉइंट कह रहा हूँ, किसी ने ऑर्डर दिया, ठीक है ऐसा कर लो, और वो गलत है, फिर वो पूरा करने में हमें बेनिफिट है, क्यों है? हाँ, क्योंकि आपका तो काम बन गया, आपको तो आपने ऑर्डर पे किया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो बात गलत भी है, उसमें क्या है, हमें एक ओबे करने की है। मिलिट्री में भी ऐसे होता है, पता है बाधा भाई, सोल्जर्स कुछ नहीं पूछते, वहाँ जो ऑर्डर होता है उनको करना पड़ता है, अगर उनको दिखाई भी दे रहा है ना गलत है, फिर भी वो करेगा, ऐसे ही होता है, नहीं होता है, कहीं मूवीज़ नहीं बन गई इस पर, वो ऑर्डर आया भी, उसने कहा ये तो गलत है यार, ये तो मरवाएंगे हमें, भैया ऑर्डर है कर ले तू। ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, गीता यहीं से तो शुरू हो रही है, कृष्ण का तो ऑर्डर है अर्जुन को लड़, अर्जुन को गलत लग रहा है, तो भगवान ने चलो लॉजिक तो दिए, मैंने कहा भगवान ने फाइनली क्या बोला भगवान ने, फाइनली बोला भाई तू लॉजिक साइड में रख, मेरा ऑर्डर मान ले, सर धुरान परिदज्जे। मैंने कहा तुझे लॉजिक समझ नहीं आ रहा, फिर भी तू छोड़ दे, तू मेरे ऑर्डर पे करेगा तो सक्सेस है। बस वो सक्सेस इसमें नहीं है कि ऑर्डर पे करने से आप पास हो रहे हो फेल हो रहे हो, सक्सेस है कि आपने ऑर्डर फॉलो की है, उस फॉलो करने में सक्सेस, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। तभी तो शिला प्रभुपाद ने बोला था कि मेरे गुरु का ऑर्डर है, मैं जाके फॉरेन देशों में जाके प्रचार करूँ इंग्लिश में। प्रभुपाद ने कहा अगर मैं वहाँ पे कुछ कर भी ना पाऊँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट मैं अपने गुरु के आदेश पूरा करते करते तो मरूँगा,
अगर इंडिया में मरूंगा तो ऐसे ही मर गया, फायदा ही क्या हुआ? एटलीस्ट गुरु का आदेश फॉलो करते करते मरूंगा, वही मेरी सक्सेस है। दैट्स द होल आइडिया देयर। अगर इस मेंटालिटी के साथ हम करेंगे भक्ति तो माया से बचेंगे, अदरवाइज तो हम खुद कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो फिर तो एडवांसमेंट तो बहुत मुश्किल है, माया पकड़ लेगी हमें। दैट्स द होल आइडिया। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई हैव टोल्ड यू समथिंग। ताते कृष्ण मजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण का चरण। गुरु के भी ना कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स होते हैं, कुछ जनरल ऑर्डर्स होते हैं। जनरल ऑर्डर्स क्या हमारे लिए? फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल, 16 राउंड्स, प्रीचिंग, ये सब जनरल ऑर्डर्स हैं। कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स होते हैं जो एक जो वैष्णव और आपको स्पेसिफिकली कहेंगे भी तुम्हारी सर्विस ही है, ये सर्विस है, ये सर्विस ही है। और जिसकी लाइफ में दोनों ऑर्डर्स हैं, जनरल और स्पेसिफिक, बहुत फॉर्चुनेट व्यक्ति है वो, बहुत जल्दी एडवांस कर जाएगा आगे। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? जनरल ऑर्डर तो आपको ऐसे ही मिल गया, स्पेसिफिक ऑर्डर मिलने के लिए तो भागे चाहिए, हर एक को नहीं मिलेगा, सब चलते रहेंगे। स्पेसिफिक क्या सर्विस है वो तो फिर तो एक फॉर्चून चाहिए। ऐसे महाराज ने मुझे कहा था कि तुम साइंस करो, तो महाराज ने कहा चलो तुम्हें स्पेसिफिक सर्विस मिल गई। एक और डिवोटी ने पूछा था महाराज से कि महाराज मैं 16 राउंड्स कर रहा हूँ और जो भी रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, तो कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है? तो महाराज ने बोला क्या मैं तुम्हें चीटिंग कर रहा हूँ, तुम्हें ये फॉलो कर लो पहले। दैट्स यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ। सो या स्पेसिफिक ऑर्डर्स मिलना बहुत भाग्य, अगर मिल गया तो सही है, उसको फुलफिल करना चाहिए हमें। ओके, क्या कुछ पूछना, कुछ कहना है? अदरवाइज क्या है प्रभु जी, एक और जैसे आपके लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट आता है कि जब अगर आपको लगे कि हम सेवाएं नहीं कर पाएंगे तो आपको हमें ही मना कर देना चाहिए कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर तो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें होती है। नहीं, मना करने से पहले डिस्कशन करनी चाहिए, ऐसे मना थोड़ा ना कर सकते हैं। डिस्कस कर सकते हैं हम कि ये प्रॉब्लम्स हैं, कैसे करें क्या करें, और डिस्कशंस के बाद अगर फिर भी कह रहे हैं नहीं यू शुड डू इट, देन यू हैव टू डू इट। अगर डिस्कशंस के बाद जो सीनियर्स को लग रहा है हाँ ठीक है रियली मैं नहीं कर सकते, ओके दैट्स फाइन, सो ठीक है तुम इतना कर लो या ये मत करो कुछ और कर लो, तो ठीक है, दैट्स ओके। बस कभी कभी प्रभु जी इतना टाइम कंस्ट्रेंट होता है या फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है तो कि उसमें मना करना पड़ता है। हाँ तो डिस्कस करके मना कर लो, वैलिड रीजन भी तो होने चाहिए, कोई सामने वाला बेवकूफ थोड़ा है कि भैया तुझे करना ही है तो कुछ टाइम नहीं फिर भी करना है, तू मरे कटे फिर भी। डजंट हैपन लाइक दैट। पीपल हु आर गाइडिंग अस दे हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ। नहीं तो अगर हम अपने वैलिड रीजंस देंगे तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं, ठीक है मत करोगे और क्या, कोई फोर्स छोड़ना है यहाँ पर। बट अगर सीनियर्स को लग रहा है कि ये बहाना मार रहे हैं तब वो गड़बड़ है, फिर तो कह देंगे भैया करना है भैया तुझे, उनको पता है बहाना मार रहे हैं, तो इसलिए वो वैलिड रीजंस होंगे तो कोई मना नहीं करेगा। और ये भी नहीं है कि हम कोई ऑर्डर मिला तो फिर हम सोच रहे हैं अभी क्या करें नहीं करें, टाइम नहीं है, पागल होते रहें, पूछ लो सिंपल, गिव योर रीजंस एंड टॉक अबाउट इट एंड गो एट, दैट्स ऑल। अपने माइंड में रख के अगर मान लीजिए कोई रख ले है ना कि हमें बोला था कैसे करेंगे, बट ऐसा भी हो सकता है कि शीला प्रभुपाद को ऑर्डर मिला था, प्रभुपाद के पास वैलिड रीजन थे, प्रभुपाद नहीं कर सकते थे, फैमिली थी, बिजनेस था, बट प्रभुपाद ने फिर उसको बाद में किया। प्रभुपाद लीलामृत में लिखा है कि ज़रूरी नहीं कि ऑर्डर्स को आप उसी टाइम फुलफिल कर दो, वो भी बात है,
प्रभुपाद को तो 11 साल लग गए गुरु का ऑर्डर पूरा करने के लिए, 11 साल यू कैन इमेजिन। तो प्रभुपाद ने बोल लिखा है लीलामृत में कि हम ऑर्डर्स को डिले कर सकते हैं मगर नो नहीं कर सकते। सो हम बोल सकते हैं ठीक है वैलिड रीजंस हैं ये, मैं अभी नहीं कर पाऊँगा बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे जब सिचुएशन सॉल्व होंगी तो तब कर लेंगे हम, बट अगर अभी कोई और कर ले तो बेटर है, दैट्स ऑल। और बताना अच्छा ही है ना, अगर नहीं बताएंगे तो खुद भी नहीं करेंगे और कोई और भी नहीं करेगा तो कबाड़ा ही हो जाएगा पूरा। सो इट्स ऑलवेज गुड टू डिस्कस, लोग करते नहीं डिस्कस वैसे, अपने माइंड में रखते हैं क्या करें क्या ना करें, सिंपल इट्स एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल, जस्ट स्पीक एंड डिस्कस एंड जस्ट डू थिंग्स, दैट्स ऑल, फिनिश। बट सीनियर्स को पता होता है कि कब भाना मार रहे हैं और कब वो सही से बोल रहे हैं बोल रही है, वो तो क्लियर है, वो तो समझ आ जाता है क्लियरली क्या चल रहा है। फिर ठीक है एंड करेंगे हम, ओके, शिला प्रभुपाद की जय।